किला, इसके ऊपर ये दरबार है, बाबा नूर शाह का दरबार है। ये सारी जगह मकाम इबरत है हमारे लिए। ये पूरी बस्ती उल्टी हो गई थी। इसके बारे में मशहूर है कि जब हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर का जो ख़ास मुरीद था, बोधला बहार सरकार ख़ास मुरीद था, उसे लोगों ने ज़बा करके हांडियों में डाल के पका दिया था। तो ये अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था इस कौम पे। ये देखें खंडरात, ये देखें अब भी, ये देखें हर तरफ ये इंसानी बाकियात पड़ी है। ये हम सब के लिए इबरत का मकाम है। ये देखें हर तरफ हड्डियां, पत्थर। ये कुछ घरों के नक्शे आज भी मौजूद हैं यहाँ पर, इन खाइयों के अंदर। ये देखें जी, ये बिल्कुल घर, ये ईंटें, ये दीवारें आज भी मौजूद हैं इस किला में। रात बाकी है, ये देखिए बहुत बड़ी। ये बारिश की वजह से पानी ने रास्ता बना दिया और ये जहर कर रहे हैं पुराने घरों की कुछ बाकियात। जहाँ मेरे ख्याल में कोई पानी का बना हुआ था कुआं वगैरह, ये वो जगह जहर हो रही है। ये खंडरात देखें जी, वो सामने घर और ये खंडरात, ये उल्टी बस्ती, यहाँ सैमन शरीफ में। ये देखें जी नीचे, वो सामने दूर तक घरों के निशानात मौजूद हैं। जब हजरत बोधला बहार को इन्होंने ज़बह करके, कोई हिंदू था या सिख था, चरबट राजा क्या नाम था उसका, इसी तरह का कोई, तो उसने ज़बह करके फेंक दिया, फेंका नहीं बल्कि हांडियों में ज़बह करके तकसीम कर दिया। चरबट राजा काफ़ी ज़ालिम था, ज़ालिम राजा था या हुक्मरान कह रहे हैं यहाँ का, तो उसने बहुत ज़ुल्म किया। फिर हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर ने उससे सज़ा के तौर पे इस बस्ती को उल्टा कर दिया। इसमें काफ़ी लोग मारे गए, हज़ारों की तादाद में, पूरा का पूरा शहर गर्क हो गया। पहले दौर में जब भी कोई अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता था तो इस तरह के काफ़ी जगह पर ये हमें मिलते हैं किले नुमा। सामने रेस्ट हाउस है, अभी तो ये किला बन रहा है, काफ़ी काम हो रहा है इस कंस्ट्रक्शन का इसके ऊपर। अल्लाह माफ़ करे जी, ये देखें हर तरफ वैराना ही वैराना, ईंटें ही ईंटें, बाकियात इंसानों की। यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं ज़ियारत के लिए। सामने हाउस वगैरह, यहाँ पर हेलीपैड है, जब भी कोई वज़ीर वगैरह यहाँ पे आता है तो इसी जगह पे हेलीपैड है वो सामने। सामने दरबार है सखी लाल शहबाज कलंदर का। ये किला बन रहा है अभी, देखें इसकी दीवारें तमीर हो रही हैं काफ़ी। ये शहर काफ़ी रकबे पर मुहित है। सामने आपको दरियाए सिंध नज़र आ रहा है, उसके किनारे पे ये कच्चे घर, मड हाउस, ये बेड़के का ऊपर का मंजर, ये देखें जी।
बहुत ही डरावना और खौफनाक, लेकिन हम लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। हमें आखरत की कोई ख़बर नहीं। ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये सामने दरबार,